hello guys welcome to our youtube channel so in last two videos we have discussed about the basics of vectors but in this video we are going to discuss more about vector products like dot product and cross product now we will go to the dot product in component form okay dot product in component form so you have already learned about this this definition of dot product a vector dot b vector equal to ab cos of theta now we have already discussed the vector resolution on its uh, like unit vectors or a coordinate system so in this in the cartesian coordinate system what is happened that is that i dot i that means the unit vector along x direction dot unit vector along i direction okay so when we calculate the dot product of i dot i that means their magnitude is 1 and 1 and the angle between these two vectors is 0 so this vector is the dot product of two unit vector along i direction along x direction is equal to 1 similarly dot product along the j cap direction that is along y direction is 1

Is it, के अगर हम लोग थ्री डायमेंशन में ऐसे लिखेंगे और एक बी वेक्टर को अकॉर्डिंगली थ्री डिमेंशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हम लोग सो इट इज गोइंग टू बी एक्स बी एक्स जब डिसीप्लाइड टू डिस कॉम्पोन क्या होगा ए एक्स क्या होगा हम लोग का होगा ए एक्स एंड बी एक्स ओके BX हो गया हम लोगों का ये तो ऑलरेडी लिख लिया तो ये एक्स एंड बीवाई यहाँ पे क्या होगा AX BY, ये दोनों जीरो नहीं होगा बट क्या होगा आई डॉट इंटू जे डॉट क्या देगा हम लोग को जीरो देगा तो ऐसे ही हम लोग को ये यह यहाँ से कौन सा टर्म बचेगा जो टर्म में यहाँ पे सेम सेम क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा वही टर्म यहाँ पे सर्वाइव करेगा सो so, जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा जो एक्स के अलग जो कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लाई होगा दोनों वेक्टर का वाई के अलग जो कंपोनेंट है उस आ, वो मल्टीप्लाई होगा एंड जेड के अलॉंग जो डायरेक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है हम लोगों को क्या मिलता है एक स्केलर मिलता है ओके सो so, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिल रहा है एक स्केलर मिल रहा है ठीक है नाउ हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये है तो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां पे है डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज पे करेंगे डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का यूज हम लोग करेंगे जब तू कैलकुलेट तो क्या करेंगे जब तू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए पार्टिकुलर डिरेक्शन किसी एक पार्टिकुलर डिरेक्शन में वेक्टर का मान लीजिए बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दिस यूनिट वेक्टर कितना है ठीक है वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे एनाडर यूज लाइक डिफाइन सम फिजिकल क्वानिटीज फिजिकल क्वानिटीज बोले तो जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं जैसे कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है इसका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या होता है ई डॉट डीएस डीएसर क्या होता है एरिया भैक्टर ओके एलिमेंटल डिस पार्टिकुलर टर्म इज एम एरिया एलिमेंटल एरिया एंड डिसम इज वॉट तो होगा? होगा. Okay? उल्टा करके भी हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी अगेन डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है जब टू फैक्टर को हम पार्टिकारपेन्डिकुलर है कि नहीं उसको प्रूफ करने के लिए इजिएस्ट वे टू इज द इज टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरोक्टर क्या होगा म्यूचुअली पार्पेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग काुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा ये शो करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं नेक्स्ट जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉर्ट प्रोडक्ट ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए

चीजें होता है डे आर इन ऑपरेटर फॉर्म ओके ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स का चीज है तो हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में वीडियो डालेंगे तो वहां पे भी ये सब डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा तो यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग का ए डॉट ए डॉट बी प्लस सी तो ऐसे ही हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़े थे अभी क्या होगा ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट एंड ए के साथ सी का डॉट प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बहुत सारी चीजों को प्रूफ करने में इन सब चीजों का क्या होता है बहुत सारा नीड होता है अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ ए स्केलर मान लीजिए एक, एक स्केलर है जो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ ठीक है वो होने के बाद इस होल टर्म इज डॉट प्रोडक्ट विथ दी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए डॉट के इन बी और के को हम लोग बाहर लेके दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी ये क्या आएगा रिजल्ट हम लोग को सेम आएगा ओके okay? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या डिस्कस करेंगे हम लोग अभी इन कंपोनेंट फॉर्म ओके okay? क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का हम लोगों ने डिस्कस किया था ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है ए बी साइन थीटा तो अगर ये ए वेक्टर है एंड दिस इज इफ बी वेक्टर एंड इफ द एंगल बिटवीन थीटा Then, क्या होगा ये दोनों वेक्टर A और बी वेक्टर के पार्पेंडिकुलर क्या होगा प्लेन पे क्या होगा हमारा ए क्रॉस बी लाइ करेगा ठीक है और उसका डिरेक्शन कौन देगा राइट हैंड थंब रूल देगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम लोग जो रिजल्टेंट निकालते हैं ए क्रॉस बी का उसमें क्या जाता है डायरेक्शन पॉइंट करता है दैट मींस एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ The the result of a a cross b b. is is along the direction which is perpendicular to both a and b. Okay, i cap, ए i cap x द डिशन टू बोट एंडले बोल दिया y डिशन में j एंड z डिरेक्शन में k. अगर आई क्रॉस का हम लोग करते हैं या फिर तब क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ए क्या होगा यूनिटर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 एंड एंगल बिटवीन दम दोनों तो सेम ही डिरेक्शन पे है तो सो जीरो के साथ हम लोग वही वेक्टर को कोल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा आएगा अगर I dot ये करते हैं तो ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड जे बिकॉज वेक्टर एंड एंगल बिटवीन इज नाइनटी डिग्री और ये जो हम लोगों का कैप है cap, में कैसे करेंगे? हम अपना जो है को की तरफ क्या करेंगे फैलाएंगे उसके बाद हम लोगों का जो फिंगर्स है उसको कार्ड करेंगे कौन से डिरेक्शन पे जे डिरेक्शन में तो हमारा ठम जिस डेक्शन में जाएगा वही होगा हम लोगों का वेक्टर का डिरेक्शन तो ये क्या होगा के के ओके ठीक है अगर हम लोगों ने ये फॉर्म उल्टा करके दिया उल्टा करके मतलब जे जे हम लोगों ने स्टार्ट किया मतलब हम लोगों का फिंगर्स कहाँ पे होगा जे के डिरेक्शन उसके बाद हम लोग फिंगर कार्ल किस तरफ करेंगे के पे तब क्या होगा? हम लोग का का जो डिरेक्शन है जाएगा ठीक है तो जाएंगे तो क्या होगा एक के के, 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 के में ये वेक्टर आएगा दैट मीन्स हम लोगों ने क्या लर्न किया हम लोगों ने ये बार लर्न किया कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होते हैं ठीक है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए तो यहाँ पे एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं स्वेडो कॉन्सेप्ट स्वेडो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ठीक है पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर ठीक है जो रिजल्ट फ्रॉम ए क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर क्या होता है एक पोलर होता है क्या नहीं द रिजल्ट इज एन एक्जियर वेक्टर एक एक्सिस के एलॉम पॉइंट करते हैं और उसको ही हम लोग शेड्यू वेक्टर भी बोलते हैं अगले आ, इस वीडियो में ही बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ओके ठीक है तो हम लोगों को क्या होगा जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे उसमें पॉइंट में जरूरी होगा आई क्रॉस जे जे क्रॉस के के क्रॉस आई उसको कैसे ये दोनों चीजों का वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो डिसाइड करते हैं एक क्लॉकवाइज रूल से तो I को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जे को लिखा एंड के को लिखा अगर आई से जे आई क्रॉस जे है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा के ओके okay. अगर जे इंटू के है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आई अगर के इंटू आई है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा जे जैसे कि जे इंटू के इंटू आई इक्वल टू जी अगर ये फॉर्म क्या होगा हम लोगों का क्लॉक वाइज नहीं होकर एंटी क्लॉक वाइज होगा तो उसके सामने क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ठीक है ये बस एक याद रखने का तरीका है जो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद एच एस में पढ़ा होगा ठीक है नाउ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्या होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इट सेल्फ इज वेक्टर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यही बात बोला है कि दो वेक्टर का क्रॉस ने जब किया कि i cross j equal to क्या मिला हम लोगों को k मिला, ठीक है? तो वैसी तरह हम लोगों ने लिखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटर इज इट सेल्फ इज यूनिट वेक्टर ओके इफ एंड ओनली इफ क्या होता है द गिवन टू यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल यहाँ पे अगर आई और जे ठीक है दिस आई एंड दिस जे ओके ये दोनों वेक्टर वेक्टर यूनिट है है ठीक फर्स्ट कंडीशन सेटिस अगर इन दोनों के बीच का एंगल आई एन मींस दिस एंगल अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है ओके देन आवर क्या मिलता है जो रिजल्ट है वो एक यूनिट वेक्टर मिलता है अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो इसका रिजल्ट यूनिट वेक्टर हम लोग को नहीं मिलेगा दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे उसका कॉम्पोनेट फॉर्म

ए वाई बीजेड ए वाई बीजेड माइनस बी वाई एजेड ठीक है ऐसे करना है जब जे लेंगे जब इवेन कंपोनेंट लेंगे दिस तो उसमें क्या करेंगे ये दोनों तो हम लोग छोड़ देंगे लेके क्या लिखेंगे माइनस ए एक्स बी जेड देन बी एक्स ए जेड ओके नेक्स्ट क्या आएगा नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट मतलब के कैप केफ हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा एक जब हम करेंगे तो क्या होगा ये रो एंड कॉलम इज नेक्टेड तो क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई ओके ये लिखेंगे तो ऐसे हम लोग इसको ऑलरेडी क्लास ट्वेल्व में लर्न किया इसीलिए मैंने कंप्लीट आप लोगों को डेरिवेशन करके नहीं दिखाया ओके okay? हम लोगों ने जस्ट चीजों को ब्रशअप किया और ये सब कब इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोगों को दो वेक्टर दिया जाएगा कंपोनेंट फ्रेम में और उसका आप लोगों को डॉक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाएगा ठीक है

so this is is S A dot A dot cross B. and what is the angle angle क्या पता चलता है कि area is also a फैक्टर इस particular bounded area का एरिया फैक्टर कहाँ पे होगा ए क्रॉस बी अगर ए के डेक्शन में हम लोग क्या लेके जाएंगे हम लोग का जो है

उसको क्या बोलेंगे स्वेड वेक्टर और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर ओके याद रहेगा नेक्स्ट आता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये ए एंड बी से हम लोग एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं अगर ए का टिप और बी का एंड पॉइंट ए और ए का पॉइंट को अगर हम लोग ने क्या जोर कर दिया तो इज गोइंग टू बी ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल क्या है इस पैरेललोग्राम का एक हाफ ऑफ द पोर्शन ठीक है इसलिए मैंने ये डॉट डॉट करके दिखाया कि इस वेक्टर को यहां पे ट्रांसलेट कर सकते हैं ये वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ये क्या बना हम लोगों का एक पेरेलोग्राम बना और इस मतलब डायगोनल से क्या हुआ इस पेरेलोग्राम का दो पार्ट हो गया सो इट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी और यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टू फाइंड एरिया ऑफ लोक जब एरिया बात बोलेंगे ये बात आप लोग याद रखना कि वेन वी डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ एनिथिंग देन वी ऑलवेज है डॉटक्ट okay? ये आप लोग सोचना है एरिया का जब हम लोग डेफिनेशन करते हैं है, है, तो कर है? okay? ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ ये आर्बिटरी से लूप है तो हम लोगों ने बाई डिस रूल ये ट्रेंगल ट्रेंगल का एरिया आप लोग को पता है ए फैक्टर बी फैक्टर तो यहाँ का मान लीजिए ये ओरिजिन ओरिजिन से मेरा ये एक वेक्टर है आर रेडियस वेक्टर मान लिया और डिस वेक्टर मतलब ये छोटा सा एलिमेंट लिया ताकि वो पूरा एक ट्रेंगल जैसा फॉर्म करे वो सीधा हो जाए कार्व नहीं होके इतना छोटा है सो दिस इज डी तो ये मैंने जॉइन कर दिया ये थर्ड साइज ऑफ डी ट्रेंगल तो ये ट्रेंगल का एरिया कितना होगा By this definition, इस definition के हिसाब से half into this r cross dl. तो अभी हम पूरा तो पूरा लूप का क्या करना है पूरा लूप का मुझे एरिया कवर करना है तो क्या करेंगे हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग दिस लूप अगर इस लूप का नाम सी है तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस लूप अलोंग सी कार इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस डीएल ओके ठीक है सो दिस इज द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को तो एरिया पेरालोग्राम ट्राइंगल का मिल गया लेकिन उसका यूज कब करना है जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम फिजिक्स में आएगा हायर क्लासेस में तब हम लोग ये डेफिनेशन यूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तो तो डिफाइन सम फिजिकल क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट से भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने डिफाइन किया था क्रॉस प्रोडक्ट से भी ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे जैसे कि टॉर्क ऑलरेडी डिस्कस किया एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फोर्स और वायर मैग्नेटिक फोर्स ओ oh, सॉरी यहाँ पे क्या होगा वायर नहीं दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा डेफिनेशन होगा अगर वायर हुआ तो डेफिनेशन होगा तो यहां पर और करना है कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फोर्स ऑल डिज आर कॉल्ड स्वेड वेक्टर और एक्सियल वेक्टर दे आर डिफाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओके तो स्वेड वेक्टर या फिर एक्सियल वेक्टर को और एक डेफिनेशन से बोलते हैं ए वेक्टर लाइक ऑब्जेक्ट नॉट वैक्टर बहुत सारे बुक्स में यह लिखा होता है कि इट इस नॉट एक्चुअली वैक्टर विच इज इनियंट अंडर इन्वर्सन इन्वर्सन मतलब किसी एक पॉइंट मान लीजिए ये एक वैक्टर है sorry. If this is a vector, इस पॉइंट में सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट लिया हम लोगों ने ये पॉइंट रेड पॉइंट इस हिसाब से हम लोग उसको इन्वर्ट करेंगे तो जब उसको इन्वर्ट करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा हम लोग को एक वेक्टर मिलेगा Along this direction. और उसका डिरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट होगा ठीक है अभी मान लीजिए इन्वर्शन कैसा है तो मान लीजिए दिस इज टू वैक्टर बी वैक्टर ओके तो ए वैक्टर को इन्वर्शन जब आप लोग करेंगे तो ये कौन सा डिरेक्शन फॉलो करेगा ये वेक्टर को आप लोग जो इन्वर्शन करेंगे इट विल फॉलो दिस पार्ट ओके यहाँ पे होगा ए वेक्टर का इन्वर्शन जब करेंगे सॉरी बी वेक्टर का दिस विल कम टू दिस पार्ट ए क्रॉस बी अगर ए क्रॉस बी लेना है ए क्रॉस बी तो ए से हमको हम, हम लोगों को जो उंगलिया है उसको कहाँ की तरफ लेके जाना है बी के तरफ जब तो कार्ड करेंगे तो हम लोग का थम किसके डिरेक्शन पॉइंट होगा आउट ऑफ द पेस ठीक है सॉरी कि हम लोग इसको ब्लैक के हिसाब से लिखते हैं ए क्रॉस बी हम लोग जो बिफोर इन्वर्शन तो कहाँ पे है आउट ऑफ द प्लेन अभी क्या होगा ये है हम लोग का इन्वर्शन ए क्रॉस बी वो यहाँ पे भी जब लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो कहाँ से आएंगे इधर से इस वेक्टर के तरफ आएंगे तब भी क्या होगा हम लोग का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे है आउट ऑफ द प्लेस तो क्या हुआ जब भी इन्वर्शन किया दिस वेक्टर इज इन्वर्टेड

मतलब क्या होना इन्वेरियन नहीं होना चाहिए अगर इन्वर्स कर दे तो ये वेक्टर 180 से रोटेट हो जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इसका यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है तो सो टू वेक्टर सर पैरेलल और एंटी पैरेलल जब टू वेक्टर एंटी पैरेलल और पैरेलल होगा तो क्या होगा उसके उसके बिटवीन एंगल क्या होगा आइडर वन डिग्री और जीरो डिग्री ठीक है तब क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो अगर

का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि की कांस्टेंट बी के साथ मल्टीप्लाई हो ऐसा हो सकता है और के को हम लोग बाहर भी लेके ले, ला सकते हैं उसके बाद ए एंड बी का क्या कर सकते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ द क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इज एनी वेक्टर 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 विद नल नल रिप्रेजेंटेड बाय और उसके ऊपर क्या होगा एक वेक्टर सिंबल होगा इक्वल टू नल वेक्टर ओके तो उसका रिजल्ट क्या होगा जीरो नहीं दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर जीरो क्रॉस ए तो इट इज ये क्या होता है ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है सो so, यहाँ पे क्या हुआ जीरो इज कॉल्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरोक्शन क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट एनी मैग्नीट्यूड जीरो हम लोग अभी एक तीसरा कॉन्सेप्ट में आएंगे दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्डर ट्रिपल प्रोडक्ट तो यहाँ इन दिस गोइंग टू बी यूज क्या होगा वन वेक्टर सॉरी वन वेक्टर इज मेकिंग डॉट प्रोडक्ट with another तो A vector. तो ए वेक्टर का मतलब क्या होगा ए वेक्टर के साथ हम लोग बी एंड सी क्रॉस का हम लोग क्या करेंगे लेंगे। तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं उसका रिजल्ट में क्या आएगा जब उसका रिजल्ट में आएगा बी क्रॉस आप लोगों को क्या होगा बी क्रॉस सी ये क्या है एक वेक्टर देगा उसके साथ एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोगों को एक स्केलर मिलेगा दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका प्रॉपर्टी क्या है इस ये प्रॉपर्टी है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू सी को हम लोग क्या लाएंगे पहले स्थान पर लेके आएंगे उसके बाद ए और बी उसका क्या रहेगा सेमी ऑर्डर पे रहेगा C डॉट ए क्रॉस बी इसका इक्वल होता है कहाँ पे अब इस बार B को यहाँ पे लाएंगे फर्स्ट प्लेस पे डॉट सी क्रॉस ए उसका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए ये है इसका एक प्रॉपर्टी तो ये फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस सी आप लोगों को हम लोगों ने पहले बोल दिया कि यहाँ पे बोला था कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है उसके साथ एक तीसरा फैक्टर है सी अग, uh, A. अगर सॉरी ए अगर ए हम लोग का इस डिरेक्शन पे है एंड इफ इट इज सॉरी ये क्या है हम लोग का बी एंड दिस इज सी और अगर क्या है ए है तो दिस 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 मल्टीप्लिकेशन ऑफ़ ऑफ़ टू गिव द एरिया उसके साथ उसका हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोगों को क्या मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा ठीक है तो स्केलर ट्रिपुल प्रोडक्ट इंडिकेट्स योर वॉल्यूम ठीक है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो हम लोगों का इजी सा डेफिनेशन है ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होता है जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पे क्रॉस प्रोडक्ट पे आप लोगों को क्या मिला था क्रॉस प्रोडक्ट पे जब कंपोनेंट फॉर्म पे लिखे थे तो आप लोगों को ऐसा एक मिला था ठीक है यहाँ पे क्या मिला था इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट रो पे क्या है आई जे एंड के ओके तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसके रिजल्टेंट के साथ कोई एक पार्टिकुलर वेक्टर तो उसका क्या मिलेगा उसका रिजल्टेंट में आई जे एन के उसके इस फैक्टर के जो रिजल्ट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो यहाँ पे i j n k के, के जगह क्या आएगा कॉम्पोनेट ऑफ दिस थर्ड कम सो इसको जब हम लोग क्या करेंगे कैसे लिखेंगे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जेड बी एक्स बीवाई बीजेड सी एक्स सी वाई सी जेड तो आप लोग ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं यही फॉर्मूला आएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा a.b क्रॉस c रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिप ठीक है इफ दिस वेक्टर इफ दिस मल्टीप्लिकेशन दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो तो ये सिग्निफाई क्या करेगा इवन इफ a b एंड c इज नॉन जीरो तब क्या डिफाइन करेगा a b एंड c आर कोप्लेनर इंडिपेंडेंट नहीं है ये कोप्लेनर है बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ दीस आर थ्री वेक्टर्स एंड वेयर They are coplanar. That means what? They lie along a plane. That means they are not independent. because in two dimensions there could be only two independent vectors. But here is given three three vectors. So they are not necessarily independent. If a dot b cross c is equal to non-zero. That means what? That means the scalar triple is non-vanishing. Then it is signified that a, b, and c are independent. These this is a very important conclusion. Number two point. Whenever we have to show the coplanarity of three vectors, then we will use this definition. Okay, so we will use this Okay. Next, vector triple product. Vector triple product is defined as a cross b cross c. So whenever we got this type of term, whatever the vectors may be, so we will do. this vector is दिस वैक्टर i have just written the final form of this uh, formula ठीक है तो अगर आप लोगों को ये कहाँ से आया ये जानने की जरूरत है सो यू आर इन यूजी क्लासेस यू हैव टू बट यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ कैसे करना पड़ेगा पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे आई जे एन केकेशन पे ठीक है देन वी विल मल्टीप्लाई विथ

And जो पहले था दिस विल कम टू सेकंड एंड थर्ड वन इज थर्ड प्लेस माइनस था तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा, 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 वाला वाला है, है, है? वो second में आएगा. Then, जो second है, वो third में आएगा. में में जो बीच ठीक है? उसको बोलते हैं बाक कब रूल तो आप लोग ये फॉर्मूला याद करके क्या कर सकते हो वेन यू रिमेंबर ए बी सी यही फॉर्म तो आप लोग याद रखोगे कि बाक एंड कब रूल उसको बोलते हैं बाक रूल hmm. जब ये यूज करोगे तो इसके जगह कुछ भी रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग वो रिप्लेस कर दोगे इज वेरी इजी तो यहाँ पे क्या होगा hmm. यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ए डॉट सी इज ए स्केलर ए डॉट बी इज ऑल्सो ए स्केलर बट दिस बी इज वेक्टर सी इज वेक्टर सो द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वैक्टर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओके सो so, पे क्या हुआ ब्रैकेट में जो तार्म था बी एन सी याद रखिए कि इस स्केलर के साथ रखिये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है एंड डी स्केलर के साथ हम लोग C हो है। so, इसका रिजल्ट कहां पे आएगा इस का रिजल्ट आएगा ए वेक्टर इन ए स्पेस पेन बाय ए एन बी एंड सॉरी बी एन सी में जो एक वेक्टर स्पान स्पेन करेगा स्पेन मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक प्लेन मान लिया और इसको हम लोग आई कैप एंड जे कैप बोल दिया तो टू डायमेंशन में किसी वेक्टर को हम लोग आई एन जे के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो ब्रैकेट के अंदर है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट बी एंड सी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं ओके okay? लेकिन यहाँ पे क्या है दिस वेक्टर अगेन इज योर स्वीट वेक्टर ओके, रिजल्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एक स्वेडी फैक्टर के साथ एक और फैक्टर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा एक प्रॉपर फैक्टर और ए पोलर फैक्टर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम लोग का और दो कॉन्सेप्ट आता है ये तो इतना यूजेबल मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं करते बहुत सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसका यूज इन जेनरल ग्रेडियंट कार्ड इन सब चीजों पे इसका यूज किया जाएगा तो इसके लिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस लाइक क्रॉस प्रोडक्ट एंड योर डॉट प्रोडक्ट अगेन देयर आर टू टर्म्स देयर आर टू टर्म्स वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट आप लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग का मोटिव ही है आप लोगों का कॉन्सेप्ट जनरेट करना ठीक है फॉर्मूला आप लोग खुद से देखेंगे खुद से मेहनत भी करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स मीन ये कैसे लिखते हैं ए क्रॉस बी ओके डॉट सी क्रॉस बी इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स नेक्स्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स फोर वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कैसा होगा ए क्रॉस बी ये दो वेक्टर है क्रॉस सी क्रॉस बी तो ये दोनों आप लोग कैसे ने? इसका जो रिजल्ट है वो कैसे बुला सकते हो कंसीडर ये वेक्टर आप लोग मान लीजिए एक डी वेक्टर है ये वेक्टर डी वेक्टर है डॉट क्या करना है सी क्रॉस बी तो ये कैसे बन गया इसको हम लोगों ने ए क्रॉस बी को मान लिया डी वेक्टर इसके साथ सी क्रॉस बी डी डॉट सी क्रॉस बी तो ये कैसा फॉर्म में आया है दिस इज कम लाइक ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग जब एक्सटेंड करेंगे जब उसको टोरेंगे तब तो आप लोगों को एक रिजल्ट मिलेगा सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर इज यूजली एन एक क्या है एक्सटेंशन वर्जन ऑफ व्हाट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इफ यू नो द कांसेप्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन यू कैन एक्सपांड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर ये आप लोगों को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाए अगर नहीं कर पाए तो हम लोग एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे कैसे करना है

सॉरी ये डी इज ऑलरेडी डी तो उसको हम लोग एक दूसरा मान लेते हैं के वेक्टर ऐसे भी इसको भी आप लोग डी मत मानिए क्योंकि सी क्रॉस डी फोर वेक्टर है सी क्रॉस क्रॉस डी 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 तो क्या होगा यहाँ पे जगह जगह ए बी को D के हम लोग के मान सकते हैं के वेक्टर उसके बाद एक्सटेंड करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या मानेंगे के वेक्टर एंड क्रॉस सी क्रॉस डी तो ये कैसा बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे बाकब रूल के हिसाब से तोड़ेंगे उसके बाद उसको फिर से एक्सटेंड करेंगे ये आप लोगों को करना है दिस इज द असाइनमेंट एंड यू हैव टू टोल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द वीडियोज लाइक दैट एंड प्लीज शेयर योर थाट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि वीडियो कैसा था हम लोग फिर से अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन uh, करने की ट्राई करेंगे सो so, like the video share and subscribe to channel thank you thank you so much